स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का हिमाचल के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट आरजे सिमरन, लेकर हाजिर हूँ हमारे युवा साथियों के लिए उनके करियर से रिलेटेड स्पेशल प्रोग्राम युवा जगत, जहाँ हम अपने युवाओं को बहुत सी जानकारियाँ देते हैं अपने उनके करियर से रिलेटेड। हमारा विषय है लाइब्रेरी साइंस, इस पर हम बहुत सी बातें करने वाले हैं। और हमारे आज के कार्यक्रम की करियर एक्सपर्ट हैं मिस पारुल नंदल जी, जो कि डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी सोलन में बतौर असिस्टेंट लाइब्रेरियन अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो मैम स्वागत है आपका। लाइब्रेरी और साइंस ये किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? लाइब्रेरी साइंस एक आर्ट और एक साइंस, इन दो आस्पेक्ट्स को मिला के एक सब्जेक्ट है जो मल्टी फेसेटेड है, इसकी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। लाइब्रेरी साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर और ये सारी चीज़ें जो नई टेक्नोलॉजी हैं साइंस है इसकी एप्लीकेशंस हैं। और लाइब्रेरी सब्जेक्ट एज अ आर्ट ऐसे है क्योंकि लाइब्रेरियंस को ह्यूमन सीकिंग बिहेवियर इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर एक इंसान को समझना कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, उनकी नीड्स क्या हैं आपकी यूज़र कम्युनिटी की, इस चीज़ को समझना एक आर्ट है। लाइब्रेरी में जो स्टाफ मैनेजमेंट है उसकी मैनेजमेंट स्टाफ की मैनेजमेंट करना ये भी अपने आप में एक आर्ट है। फिर लाइब्रेरी में इनोवेटिव आइडियाज़, लाइब्रेरी का कल्चर कैसा होना चाहिए, इस तरीके से एक लाइब्रेरी आर्ट भी है जी। तो ये दोनों का एक परफेक्ट ब्लेंड है, लाइब्रेरी इज आर्ट एज वेल एज साइंस जी। मैम ये जो लाइब्रेरियन होते हैं इनका क्या काम होता है? सबसे पहला काम किसी भी लाइब्रेरियन का है कि जहाँ भी वो काम कर रहे हैं उसके यूजर्स को सेटिस्फाई करना, उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स को राइट टाइम पे केटर करना जी। तो लाइब्रेरियंस का एक मेन मोटो है राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट यूज़र ऑन राइट टाइम, तो लाइब्रेरियंस का सबसे मेन काम यही है। अब इस काम को करने के लिए वो अलग अलग काम करते हैं जो कुछ बिहाइंड द कर्टेंस होते हैं, जैसे टेक्निकल प्रोसेसिंग ऑफ बुक्स, कौन सी बुक्स परचेज करनी है जी। कैसे हमें डेटा बेसिस सेलेक्ट करने हैं, यूज़र्स को समझना ये सब, और ऑन द डेस्क जो हमें दिखता है वो कि हमें बुक्स ठीक से डिस्प्ले दिख रही हैं और ये सब, तो इस तरीके से लाइब्रेरियंस के बहुत सारे काम होते हैं जी। बट उन्हें समझने के लिए थोड़ा सा रहता है कि हम उन्हें समझने के लिए हमें लाइब्रेरीज में जाना पड़ेगा। हाँ जी, जी। लाइब्रेरीज को यूज़ करना पड़ेगा। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड है ये कितनी ब्रॉड है बताएं? लाइब्रेरीज आजकल हर जगह मौजूद हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, कोर्ट्स हों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उसमें आजकल लाइब्रेरीज को बहुत प्रेफरेंस दी जा रही है, बहुत ब्रॉड है ये। आजकल डिजिटल लाइब्रेरीज का भी कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, तो लाइब्रेरीज और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो भी एक साथ उभर कर आ रहे हैं, जिसमें डेटाबेस कैसे मैनेज करना है और आपको कैसे उसमें चीज़ें करनी है, रिसर्च को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो लाइब्रेरीज अपने आप में एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। आजकल सोशल मीडिया इंटरनेट का ज़माना है, हमें कुछ भी किसी भी सवाल का जवाब चाहिए हो तो हम झट से इंटरनेट पे गूगल पे सब सर्च कर लेते हैं और वहाँ पर आंसर मिल जाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या लोगों का किताबों की तरफ रुझान कम हुआ है, स्पेशली यूथ का? मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया से किताबों की तरफ रुझान कम नहीं हुआ, बस एक यूज़र को, क्योंकि हमें सिर्फ अपना क्वेश्चन पता होता है कि हमें इस बारे में जानना है, तो यहाँ लाइब्रेरियंस का रोल आता है कि हम अपने यूज़र्स को कैसे ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तक लेके जाए। मैं ये नहीं कहना चाहती कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ गलत है, बट हाँ फेक न्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हैं, जैसे व्हाट्सएप पे कुछ भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, फेक न्यूज़ चैनल्स हैं, इंफॉर्मेशन चैनल्स हैं, यूट्यूब पे कुछ भी आप वीडियो बना के डाल देते हैं और आप उसको एज अ एजुकेशनल मटीरियल कंसिडर करते हैं, बट लाइब्रेरियंस का यहाँ रोल आता है कि उन्हें सिखाना पड़ता है कि ये आपका ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो सोशल मीडिया से यूज़र्स की अप्रोच बढ़ गई है, वो फ़ोन से भी पढ़ना चाह रहे हैं, वो लाइब्रेरी से भी जाके पढ़ना चाह रहे हैं, वो टीचर्स के नोट से भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से लाइब्रेरियंस को अपना एक देखना पड़ेगा कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें
इस यूज़र की जो अप्रोचेस चेंज हो रही हैं इसमें हमें डटे कैसे रहना है, हमें कैसे उनको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि उनकी जो भी क्वेरी है वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो सके। मैम, ये जो लाइब्रेरी साइंस का क्षेत्र है इसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले आपको? इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है जो मैंने अभी बताया कि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, हमें यूज़र को गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये कि सोशल मीडिया आने से, क्योंकि हमें एक मिनट में आंसर मिल जाता है तो हमें एक पूरी किताब पढ़ने से टाइम, अब हम पूरी किताब नहीं पढ़ते हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज है जिससे हम देख पा रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए एक स्टूडेंट की वो आजकल उतनी नहीं हो पा रही। एक जो हमारा बच्चा है उसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है पढ़ने को लेके, या पहले जैसे हम ग्रुप स्टडीज़ करते थे, ये सब ये आजकल बहुत कम हो गया है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है पूरी एजुकेशन कम्युनिटी के लिए। उसके अलावा चैलेंज ये है कि इन्फॉर्मेशन का लोड इतना ज़्यादा आ गया है, हर तरफ से इन्फॉर्मेशन। आज एक दिन में लगभग 50,000 से 60,000 आर्टिकल छप रहे हैं, ठीक है। उस वो सारे आर्टिकल्स यूज़फुल भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो जितने यूज़फुल आर्टिकल हैं उनको अपने यूज़र्स तक कैसे पहुंचाना है, ये सब एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन्फॉर्मेशन का जो मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है उसको हम कैसे मैनेज करें। और तीसरा, बजट कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, खासकर सरकारी व्यवस्थाओं में लाइब्रेरीज़ को इतना बजट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा रिसर्च क्वालिटी अफेक्ट होती है बच्चों की। तो ये मेन चैलेंजेस हैं। मैम, एक टर्म है ई लाइब्रेरी, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। ई लाइब्रेरी को हम वर्चुअल लाइब्रेरी भी बोलते हैं, कॉमन भाषा में हम इसे बोल सकते हैं लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स, कि ऐसी लाइब्रेरी जो हर सीमा से परे है। आप अपने फ़ोन में भी एक लाइब्रेरी लेके चल सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी किंडल, है ना, किंडल में हमारा पूरा कलेक्शन होता है। दूसरा, आजकल लाइब्रेरीज अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको डिजिटाइज कर रही हैं, कुछ ई बुक्स खरीदते हैं, ई जर्नल्स खरीदते हैं, उनका एक्सेस हम बच्चों को दे देते हैं, अपने यूजर्स को दे देते हैं, और वो कहीं भी 24/7 दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये लाइब्रेरी एक्सटेंडेड अप्रोच है लाइब्रेरी की, कि हम आपको सिर्फ प्रिंट रिसोर्सेज ही नहीं, हम आपको डिजिटल रिसोर्सेज भी देंगे, ताकि आपको कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको लाइब्रेरी, कई बार होता है हम नहीं जा पाते हैं लाइब्रेरी, तो बिना लाइब्रेरी में आए भी आप लाइब्रेरी की सर्विसेज का फ़ायदा ले सकें। जी मैम, मैम जैसे बहुत सारे लिसनर्स हमें यहाँ सुन रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हमें स्ट्रीम के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो कोई अगर स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहता है तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है? लाइब्रेरी साइंस में एंटर करने के लिए दो अप्रोचेज हैं, एक डिग्री प्रोग्राम होता है और एक डिप्लोमा प्रोग्राम होता है। डिप्लोमा बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करवाते हैं 12th के बाद, तो जी। और डिग्री प्रोग्राम के लिए जैसे बैचलर्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है या मास्टर्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, फर्दर अकम्पेन्ड बाई हायर स्टडीज़, तो उसके लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी फील्ड में आपकी बैचलर्स होनी चाहिए, चाहे वो बीएससी इन साइंस हो या फिर बीए हो, बीकॉम हो, आपको एक बैचलर डिग्री ज़रूर चाहिए, सिर्फ बैचलर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस करने के लिए। जी। उसके बाद अगर आप उसको और आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप एक साल का और डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं जो फिर मास्टर डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जी। इस तरीके से आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। मैम, इस फील्ड में जॉब की संभावनाएँ कितनी मजबूत हैं? देखिए, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जॉब मिलना आज टाइम पे बहुत मुश्किल है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा हो गया है। तो किसी भी फील्ड में आपको जॉब लेनी है तो आपको अपने सब्जेक्ट में एक्सेल करना पड़ेगा, ये आज सच्चाई है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं लाइब्रेरी में, क्योंकि लाइब्रेरी हर जगह है, हर इंस्टीट्यूट में है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी है, नॉन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी हैं, हर गवर्नमेंट ऑफिस की अपनी खुद की लाइब्रेरी है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत हैं, बट आपको मेहनत और टैलेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुकी है। यस मैम, मैम आपको कितनी इंटरेस्टिंग लगती है ये फील्ड? शुरू शुरू में मुझे ये फील्ड बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी, क्योंकि
मुझे नहीं याद कि हमारे स्कूल में मैंने कभी लाइब्रेरी देखी भी थी। मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी, जो हमारी लाइब्रेरियन थी वो भी हमें बहुत बोरिंग सी मैडम लगती थी जी। जो बहुत चुप चुप ऐसे रखती थी, तो हमें जी। लगता था क्या यार ये कैसे हैं। तो पर धीरे धीरे जब मैं इस फील्ड में आई तो मैंने समझा कि नहीं, लाइब्रेरियंस सिर्फ बुक्स रखने तक सीमित नहीं है, लाइब्रेरियंस का एक बहुत अहम रोल है जो समझा जाना अभी बाकी है, बिल्कुल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि आजकल जितनी कीमत इंफॉर्मेशन की है, एक इंफॉर्मेशन रिच कंट्री ही आजकल सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है, जी तो उस चीज़ के लिए हमें लाइब्रेरीज़ पे बहुत फोकस करना है। और अभी इस फील्ड को बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा उम्दा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है ताकि हम इसकी इम्पोर्टेंस आगे दिखा सकें। जी बिल्कुल जी मैम, अभी डॉक्टर YS परमा यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस से जुड़ा एक कोर्स शुरू होने वाला है, थोड़ा उसके बारे में बताएं हमारे लिसनर्स को। डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रही है, जिसमें एक लाइब्रेरी साइंस का भी कोर्स है। तो इस कोर्स को हम जुलाई 2024 से शुरू करने जा रहे हैं। इसमें एडमिशन के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स इन एनी बैचलर डिग्री चाहिए और एंट्रेंस टेस्ट होगा। और इस कोर्स में हम अभी शुरुआत में 1 साल का कोर्स रख रहे हैं। जैसे ही हमें और ज़्यादा अप्रोचेज आएंगी कि हमें और आगे मास्टर डिग्री भी चाहिए, तो हम उसको एक्सटेंड करने की भी कोशिश करेंगे। 1 साल के कोर्स में हम अपने स्टूडेंट्स को उन सब्जेक्ट एरियाज़ के बारे में पढ़ाएंगे जिससे वो किसी भी लाइब्रेरी में जाके आसानी से जॉब कर सकें। लाइब्रेरी में काम कैसे करना है, लाइब्रेरीज में काम होता कैसे है जी। और इसके टेक्निकल आस्पेक्ट्स, साइंटिफिक आस्पेक्ट्स, ये सब उस कोर्स में हम कराएंगे। मैम, हमारे युवा साथियों को जो हमें सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनके लिए आपका स्पेशल मैसेज क्या होगा? मेरा सभी के लिए यही मैसेज है कि युवाओं को खुद को बेहतर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए लगातार एफर्ट्स करते रहने चाहिए, चाहे वो स्टडीज़ का हो या उनकी पर्सनल ग्रोथ हो। उनको हर फील्ड में अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद को बुरी चीज़ों से, जैसे नशे, बुरी संगति, इन सब से दूर रखें। अपनी फैमिलीज़ को टाइम दें, अपने पेरेंट्स के एफर्ट्स को समझें और ख़ुद को एक बेहतरीन इंसान के रूप में आगे देखें। लगातार मेहनत करते रहें और खुश रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी आज की करियर एक्सपर्ट मिस पारुल नंदल जी, जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन हैं। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में आने के लिए, तो ज़रूर आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।